कक्षा 11 विषय इतिहास और अध्याय चल रहा है तीसरा। सभी विद्यार्थियों का स्विट्जरलैंड एकेडमी पर कक्षा 11 के विद्यार्थियों का स्वागत है। तो तीसरे पार्ट में जो ऐतिहासिक, क्योंकि विश्व का इतिहास है, थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि अभी आप 10वीं क्लास पास करके आए हो और उसमें आपने आसान से मैटर पढ़े हैं। अब यहाँ क्या है, 10वीं के बाद श्रेणियाँ बंट जाती है और अलग अलग विषय आ जाते हैं। जैसे आपने किसी ने इतिहास है, राजनीति है, भूगोल है, किसी के अलग अलग विषय होते हैं। तो इतिहास में ये क्या बताते हैं, जैसे आप 12वीं की इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको बड़ी सर लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी 11वीं की पूरी इतिहास शुरुआत कहाँ होती है वो सारी 11वीं में दी हुई है। इसलिए ये जो पटांग नाम आ रहे हैं, इस तरह के नाम आ रहे हैं, कभी फ्रांसीसी, कभी समाजवाद, अलग अलग नाम आ रहे हैं अलग अलग देशों के। जैसे अब नाम आ गया कॉन्स्टेंटाइन, तो इस तरह के नाम के ये विश्व के इतिहास से संदर्भ है, तब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसको बार बार आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बार तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं, जैसे हमारा विद्यालय लगेगा, देखो महीने भर में विद्यालय लग जाएगा, फिर उसमें किस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि वैसे पढ़ेंगे तो साथ में किताब है, साथ साथ में पढ़ते रहना, ठीक है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से कुछ परिवर्तन किए उसके द्वारा, अपने सामाजिक श्रेणियों में पढ़ रहे हैं ना इसमें, उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सार्डिस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध का सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता, रोम साम्राज्य था यूरोप के अंदर, वो समाप्त हो गया ना, उसके बाद भी यह सिक्का चलता रहा था। यह सिक्का, ठीक है, ये सोलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर डाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन थे, इतने चलते थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था एक दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण, जहाँ तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है। तुर्की की राजधानी क्या, इस्तांबुल। इस्तांबुल को पहले कहते थे कुस्तुनतुनिया, पहले इसे बाइजेनाइट कहा जाता था। यह नई राजधानी तीन और समुद्र से घिरी हुई थी। चित्र देख लेते हैं पहले, ये है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, देख लीजिए ये चित्र, ऐसा चित्र बनाया हुआ है उनका। चूंकि नई राजधानी के लिए नई सेनेट की जरूरत थी, यानी नई संसद की जरूरत थी, नए क्षेत्र की जरूरत थी, इसलिए चौथी शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में क्या तेजी आई, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़नी थी तो आर्थिक विकास होना ही था। पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में विकार व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई, जिनमें तेल की मिलें, तेल निकालते हैं ना सरसों का, शीशे के कारखाने बने क्योंकि शीशे का प्रचलन शुरू हो गया था, पेंच की प्रेसें, पेंच वगैरह होते हैं ना ये नट वगैरह, नट बोल्ट वगैरह की प्रेसें, तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसे नई प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण हैं। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जैसे ऐसे व्यापारों का, यानी दूर दूर के देशों के साथ पानी के जहाज होते हैं ना, छोटे छोटे बनने लगे और उनसे व्यापार होने लग गया। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा और समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई। जैसे जनसंख्या बढ़ी तो मांग बढ़ी तो व्यापार हुआ और समृद्धि बढ़ गई। इससे स्थापत्य कला के नए नए विकसित रूप हुए, भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी, अब लोग मस्ती से ज़्यादा रहने लगे। क्यों? जैसे जैसे मानव सरल होता गया, जैसे जैसे मशीनों का विकास हुआ, मानव काम कम करने लगे और मशीनों का प्रयोग होने लगा। शासन करने वाले कुलीन पहले से ही अधिक धन संपद और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के पेपायरस पौधे के पत्तों पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहाँ मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संपदाएं भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। उदाहरण के लिए छठी शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सोलिडस यानी लगभग 35,000 पाउंड सोने से अधिक धन राशि, ठीक है, ये पाउंड इधर यूरोप में चलता है, करों के रूप में देता था। निस्संदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6वीं शताब्दियों में आज 20वीं शताब्दी की तुलना में अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। यूनान और रोमन वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग उनके पंथों और उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मोर्स जैसे अनेक रोमन, इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए, जैसे जुपिटर है ना, आज जुपिटर बृहस्पति ग्रह को कहते हैं, कहने का मतलब अंतरिक्ष में जो ग्रह होते थे ना, मार्स, ठीक है, मार्स बुध को कहते हैं, मंगल को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि अलग अलग इतालवी देवों, इतालवी मतलब इटली के थे, रोम कहाँ का था, इटली का था, क्षेत्र था,
तो वे इन देवों की पूजा करते थे। इसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर मठ और देवालय बनाए थे। जैसे हमारे हिंदू महिलाओं में आपको पता होगा पीपल के वृक्ष की पूजा करती है महिलाएं, पानी डाल के आती है, या किसी तुलसी की पूजा करते, वो इससे ग्रहों की पूजा करते थे। ये बहुदेववादी समय को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म था, ठीक है, लेकिन यहूदी धर्म भी एकाश्रम यानी विविधता ही नहीं था, अर्थात परवर्ती पुराकाल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अतः चौथी या पाँचवीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एक कर्मिक और जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ, हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मत मतांतरों और धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे और ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। चौथी शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएँ इतनी कठोर और गहरी नहीं थी जितनी कि आगे चलकर होगी। ऐसा शक्तिशाली विस्फों की कोशिशों के कारण हुआ जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। जनता में आम खुशहाली खासतौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहां आबादी ठंडी छठी सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही। हालांकि वहां प्लेग की बीमारी महामारी का प्रकोप, प्लेग की बीमारी आपको पता है चूहों से होती थी, चूहों को फैलने के बाद मानव में फैल जाती थी, जिसके कारण 540 दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्यसागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विघटित हो गया, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह गोथ, वेंडल, लोबार्ड आदि ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए, जिन्हें रामोत्तर राज्य कहा जा सकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन में विसिगोथों का राज्य, जिसे अरबों ने 711 से 720 के बीच नष्ट किया। गोल में फ्रेंको का राज्य लगभग 511 से 687 और इटली में लोबार्डो का राज्य। ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे, जो उस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन कहा जाता है। पूर्व में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षी के उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टियन ने अफ्रीका को वेंडलो के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को अस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया। इससे देश में तहस नहस हो गया, लोबार्डा के आक्रमण के लिए रास्ता तय हो गया। सातवीं शताब्दी के आरंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई। ससानी शासकों जो तीसरी शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्व प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। बाइजेंटियम, अब रोम साम्राज्य को ज्यादातर इसी नाम से जाना जाता था, ने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा जिसे वह सहन नहीं कर सका। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बेड़े विभाग पर भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गया। ठीक है, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? पैगंबर मोहम्मद। किंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीतें जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई, अरब जनजातियों को पराजित करने से हुई। अरब से शुरू होकर ये जीतें सीरिया, रेगिस्तान, इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक फैल गई, जैसा कि हम अगले विषय 4 में देखेंगे। अब अरब प्रायद्वीप और वहाँ रहने वाले अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। तो ये आप नक्शा देख सकते हो, तो ये घटनाएँ कुछ दी हुई है, ये घटनाएँ आप पढ़ लेना, ठीक है, ये घटनाएँ किताब में से पढ़ो तो पढ़ लेना, ठीक है, ये आपका पाठ हो गया पूरा। जल्दी आपका इनका टेस्ट भी होंगे, ध्यान रखना। ये देखो स्पेन पर आक्रमण कब हुआ, सीरिया में उम्मिया वंश कब हुआ, पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, सारी इनकी बातें। तो ये आपका कौन सा 3 नंबर पाठ पूरा हो गया। अब चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे, क्योंकि विश्व का इतिहास है, थोड़ी सी पढ़ने में मुश्किल आएगी, ध्यान रखना। वो शायद विद्यार्थी सोचते हैं कि सर ये 10वीं के बाद ये क्या दे दिया हमें तो समझ में नहीं आता ये कहानी क्या है। तो ध्यान रखो, कहानी समझ में आ जाएगी अपने आप, क्योंकि एक दो बार पढ़ोगे ना तो इंटरेस्ट आने लग जाएगा और उसी में ढल जाओगे। जैसे विज्ञान गणित होती है ना, उसमें डल जाते हैं, वैसे इसमें डल जाओगे। तो इसको पढ़ते रहना, आराम से समझ में आ जाएगी।